नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन नाउंस। मैस्कुलिन मतलब मसल, जैसे हम बोले मसल। मैस्कुलिन जनरली वर्ड यूज़ किया जाता है जब हम मेल को या मर्द लोगों को रेफर करते हैं, और फेमिनिन मतलब फेमिनिन हम जैसे औरतों को रेफर करना है, फीमेल लोगों को रेफर करने के लिए फेमिनिन वर्ड यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही नाउन्स जो मैस्कुलिन हैं और फेमिनिन हैं, उन नाउन्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैस्कुलिन नाउन्स वो होते हैं जो मेन या बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं या मेल एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, जैसे मेल एनिमल्स के लिए या मेन के लिए या बॉयज़ के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे ही फेमिनिन नाउन्स यूज़ करते हैं वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए या फीमेल एनिमल्स के लिए। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। जैसे बॉय है तो मैस्कुलिन वर्ड है, गर्ल है फेमिनिन वर्ड है, मैन एक मैस्कुलिन वर्ड है, उसका अपोजिट फेमिनिन कौन सा है, वुमेन। अच्छा, वुमेन का अगर हमें प्लूरल बनाना हो, वुमेन नाउन है तो वुमेन का प्लूरल क्या बनेगा, वुमेन। पिछले हम वीडियो सेशन में हमने यही पढ़ा था, मैन का मैन एम ई एन प्लूरल के लिए। ठीक है, और वैसे मैस्कुलिन मैन है तो उसका फेमिनिन क्या है, वुमेन। प्रिंस मैस्कुलिन है, फेमिनिन क्या है, प्रिंसेस। मैन मैस्कुलिन है, वुमेन, ये थोड़ा रिपीट हो गया फिर से, मैन वुमेन। निफ्यू नीस, निफ्यू मतलब भतीजा भतीजी, सन बेटा, डॉटर बेटी, अंकल चाचा आंट चाची। ठीक है, तो ऐसे ही सन या अंकल मामा को भी बोल सकते हैं, मामा मामी, तो सन डॉटर। ठीक है, तो सन मैस्कुलिन है। ये सारे जो मेल मेंबर्स को दर्शाते हैं वो मैस्कुलिन कहलाते हैं, जो वर्ड्स फीमेल मेंबर्स को दर्शाते हैं वो फेमिनिन कहलाते हैं। कुछ और एग्जांपल्स देते हैं, जैसे एक्टर हैं तो इसका फेमिनिन वर्ड क्या, एक्ट्रेस। हम बोलते हैं वो एक्ट्रेस ने अच्छी एक्टिंग की है, वो एक्टर बड़ा अच्छा है, तो एक्टर हम मेल मेंबर्स के लिए बोलते हैं, एक्ट्रेस फीमेल मेंबर्स के लिए बोलते हैं। ब्रदर सिस्टर, फेमिनिन सिस्टर है, ब्रदर है मैस्कुलिन, तो ये मैस्कुलिन है यहाँ से, ये फेमिनिन है। एम्परर राजा, एम्प्रेस जो रानी है। फादर जो पिताजी होते हैं, मदर माता जी होती हैं। जेंटलमैन जेंटल लेडी भी बोलते हैं या लेडी भी बोल सकते हैं, सिंपल। ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर, यहाँ पे फादर की जगह हमने मदर कर दी, ग्रैंड ग्रैंड वही रहा। ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर। ठीक है, अब एनिमल्स में भी मैस्कुलिन फेमिनिन होते हैं, जैसे चिकन, चिकन को अगर मेल चिकन को क्या बोलेंगे, रूस्टर, और फीमेल को क्या बोलते हैं, हैन। कैटल बुल, कैटल के लिए जो होता है बुल होता है मेल, का होता है फीमेल। डियर जो होता है, डियर में मेल क्या होता है, बक, और फीमेल डो। ये बच्चों आपको याद करने पड़ेंगे सारे, ऐसे इस तरीके से समझने का वैसा कुछ नहीं होता, बस नेम्स है, इसलिए हम याद कर रहे हैं। डोंकी के लिए मेल क्या होता है, डोंकी, मेल डोंकी को क्या बोलते हैं, जैक, और फीमेल डोंकी को बोलते हैं जेनी। मेल डक को क्या बोलते हैं, ड्रेक, और फीमेल डक को क्या, डक को क्या बोलते हैं, डक ही बोलते हैं। फॉक्स, मेल फॉक्स को बोलते हैं फॉक्स, और फीमेल फॉक्स को बोलते हैं विक्सन। गूज, मेल गूज को बोलते हैं जेंडर, और फीमेल गूज को बोलते हैं गूजी। एनिमल में हॉर्स, मेल हॉर्स को बोलते हैं स्टैलन, और फीमेल हॉर्स को बोलते हैं मेयर। लॉइन में मेल लॉइन को बोलते हैं लॉइन ही, और फीमेल लॉइन को बोलते हैं लॉइनस। शीप अगर हो तो रैम बोलते हैं मेल शीप को, और ईव बोलते हैं फीमेल शीप को। टाइगर होते हैं तो टाइगर मेल को बोलते हैं, और टिग्रस या टाइग्रस जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें वो फीमेल टाइगर को बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही सिंपल याद रखना है कि अगर ई एस एस हो, ठीक है, जनरली ई एस एस अगर और आर ई एस एस हो, ये वाले वर्ड्स होते हैं फीमेल फेमिनाइन जेंडर वाले वर्ड्स, जैसे एक्ट्रेस लॉइनस टाइग्रेस प्रिंसेस, तो ये फेमिनाइन जेंडर वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, अब कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि दोनों मेल्स और फीमेल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं। जैसे अकाउंटेंट्स, तो अकाउंटेंट्स हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो मेल हो या फीमेल हो। पेरेंट्स, पेरेंट्स हम दोनों के लिए यूज़ करते हैं, हम ये नहीं बोलते मेल पेरेंट फीमेल पेरेंट, पेरेंट मतलब दोनों के लिए यूज़ करते हैं। आर्टिस्ट, मदर भी आपकी पेरेंट है और फादर भी आपका पेरेंट। आर्टिस्ट के लिए भी हम दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, मेल आर्टिस्ट फीमेल आर्टिस्ट। मैनेजर्स, डिज़ाइनर्स, प्यूपिल्स, प्यूपिल्स जैसे क्लास में बच्चे होते हैं छोटे छोटे, तो इनके लिए ऐसा नहीं बोलते हैं मेल कौन है फीमेल के, तो प्यूपल्स हम सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंजीनियर्स, सिंगर्स, लॉयर्स,
टीचर्स, तो ये कॉमन जेंडर नाउन्स इनको बोलते हैं, जो कि दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं. टीचर्स है, लॉयर्स है, सिंगर्स है, ये कॉमन जेंडर नाउन्स है, दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, फीमेल और मेल के लिए. अब न्यूटर नाउन्स है, मतलब जो कि नाइदर फेल है मेल है ना और फीमेल है, उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे बॉल है, ये ना तो मेल है ना फीमेल है. फॉरेस्ट है, बिल्डिंग है, जिमनेजियम है, ब्रूम है, ब्लैक ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है सॉरी, केक है, रॉक है, कंप्यूटर है, स्काई है, कार्ड है, सॉक्स है, फ्लोर है, विंड है, ये सारे ना तो मेल है ना फीमेल है, इन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ता भैया, कहीं भी आओ. ठीक है, वैसे याद रखिए. अब हम एक्सरसाइज करते हैं मैस्कुलिन फेमिनिन की. मास्टर अगर मैस्कुलिन है तो फेमिनिन उसको क्या होगा, मिस्ट्रेस. अंकल के अगर मैस्कुलिन है तो फेमिनिन क्या, अंकल का आंट. नीस एक फेमिनिन वर्ड है. भतीजी, भतीजा क्या होता है, निफ्यू. लॉइनस एक फेमिनिन वर्ड है, तो लॉइन एक मैस्कुलिन वर्ड है. टाइगर एक मैस्कुलिन वर्ड है, तो टाइग्रेस. एम्प्रेस एक फेमिनिन वर्ड है, तो एम्परर. हस्बैंड एक मैस्कुलिन वर्ड है, तो फेमिनिन वर्ड क्या है, वाइफ. सन डॉटर. मदर यहाँ फादर आएगा. मैडम यहाँ पे सर आएगा, क्योंकि सर और फादर के होते हैं मैस्कुलिन वर्ड्स. सिंपल है. ही होस्ट एंड सॉरी ये होगा द होस्ट एंड द क्या आएगा, ये होस्ट होगा मैस्कुलिन और होस्टेस वेलकम देयर गेस्ट. उनने अपने होस्ट और होस्टेस ने गेस्ट को वेलकम किया. द अंकल एंड द फेमिनिन क्या होगा, अंकल मैस्कुलिन है, फेमिनिन क्या होगा, आंट. लिव्ड इन दिल्ली. द किंग एंड द क्या होता है, क्वीन है ना. द किंग एंड द क्वीन हैड टू चिल्ड्रन, उनके दो बच्चे थे, अ बॉय एंड अ गर्ल. बॉय का बॉय मैस्कुलिन वर्ड है, फेमिनिन वर्ड क्या है, गर्ल. द प्रिंस वॉज 8 एंड द प्रिंसेस. प्रिंस एक मैस्कुलिन वर्ड है और यहाँ प्रिंसेस है. प्रिंसेस वॉज 8, तो एक बॉय है, प्रिंस था बॉय, और प्रिंसेस एक गर्ल है. ठीक है. लेडीज एंड क्या बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन वेलकम टू अ पार्टी दिस इवनिंग. तो लेडीज एक फेमिनाइन वर्ड है, लड़कियों को, औरतों की ओर दर्शाता है, और जेंटलमैन एक मैस्कुलाइन वर्ड है. अच्छा, अब इनमें पहचानो मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है. चिल्ड्रन जो है वो एक कॉमन जेंडर वर्ड है, चिल्ड्रन दोनों के लिए हो सकता है ना, वो लड़का हो या लड़की हो. विच फेमिनाइन है, किंग मैस्कुलिन है, बॉय अगेन मैस्कुलिन है, सन मैस्कुलिन है, फादर मैस्कुलिन है, गर्ल फेमिनाइन है, मदर फेमिनाइन है, क्वीन फेमिनाइन है, फाइल कॉमन जेंडर. इससे कुछ फ़र्क नहीं है, नहीं कॉमन जेंडर भी नहीं, ये तो फाइल तो ना, तो फाइल का कुछ नहीं, ये न्यूट्रल है. इसे ये तो ना मैस्कुलिन है ना फेमिनाइन. टीचर कॉमन जेंडर, टीचर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. डॉक्टर कॉमन जेंडर, डांसर कॉमन जेंडर. फिश, फिश कॉमन जेंडर है, ये कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है. प्रैक्टिस करते रहिए, ये वीडियो सेशन आपको समझाने के लिए, आपको याद कराने के लिए, बट बेसिकली पढ़ाई तो हमें खुद ही करनी पड़ती है बच्चों, और खुद ही हम जब पढ़ाई करते हैं, मन से पढ़ाई करते हैं और दिल लगा के पढ़ाई करते हैं, तो हमारी खूब तारीफ होती है, हमें खूब अच्छा अचीवमेंट मिलता है, अच्छे मार्क्स आते हैं. तो और नॉलेज ही सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ है, जो हमें कुछ नया बताती है, नई नई चीज़ें. नॉलेज क्या होता है, नॉलेज, नॉलेज मतलब नो हम करते हैं, और नॉलेज न्यू से बना हुआ है, बेसिकली नया जो भी नई चीज़ है वो नॉलेज है. तो हम नया नया सीखते रहें और नया नया आगे चीज़ें करते रहें. तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं हमारी वेबसाइट से, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, हमारा यूट्यूब पेज भी है, और हमारा ट्विटर पे भी है. थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, थैंक यू.